हाय फ्रेंड्स, फैमिली, मीडिया एंड एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते तहे दिल से। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करनी है कि मेरी और फैज़ान की कोई शादी नहीं हुई है। फैज़ान के साथ क्या, मेरी किसी के साथ कोई शादी नहीं हुई है और मैं तो फैज़ान को ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। एक बार मैं एक इंटरव्यू में मिली थी, दूसरी बार मैं एक दूसरी मीडिया लॉन्च में मिली थी और तीसरी बार हमने साथ में शूट किया क्योंकि फैज़ान टोल्ड मी दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। सो मैं ये सीरीज़ बना रही थी जिसका नाम है marriage.com, जिसकी स्टोरी लाइन ऐसी है कि पति पत्नी होते हैं और पति को अपनी सिस्टर की पिक्चर्स अपलोड करनी होती है ऑन अ मैट्रिमोनियल साइट, बट बाय मिस्टेक मेरे पति मेरी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं। दिस इज़ द स्टोरी लाइन जो कि मैंने शो एक्स ऐप के लिखी है और यहाँ से सारे कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है। तो इसका एक एपिसोड है जो फैज़ान ने किया है एज एन एक्टर। सो जब हम फिल्म शूट करते हैं, वेब सीरीज शूट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कुछ उसमें पोस्टर्स भी शूट करते हैं, बिहाइंड द सीन हम स्टिल्स क्लिक कर लेते हैं। सो वैसी एक क्लिक थी जो कि मुझे नहीं पता कि कैसे वायरल हो गई, क्योंकि 9th of June को हम लोगों ने शूट किया और 10th की अर्ली इन द मॉर्निंग को मेरी फ़्लाइट थी फॉर वृंदावन, जो कि मुझे वाया दिल्ली जाना था। तो मैं दिल्ली उतरी, अर्ली इन द मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो दिल्ली से मेरे प्रोड्यूसर्स और मेरी टीम ने मुझे पिक किया। हम वहाँ से मथुरा गए, मथुरा से मैं सेम डे गई जन्मभूमि, फिर हमने शूट करना शुरू किया और उसके बाद मैं प्रेम मंदिर गई, सब जगह गई और डे बिफोर येस्टरडे आई केम बैक। सो मुझे ये जो पूरा जो भी हुआ है, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ये कोई शादी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तो फैज़ान को जानती तक नहीं हूँ। मतलब डे बिफोर येस्टरडे हमने साथ में एक मैंने केक कट किया क्योंकि मुझे बुलाया गया था और जिस दिन शूट था उस दिन मैंने उसके साथ शायद बात भी की होगी, क्योंकि मीडिया लॉन्च में आप जो भी मीडिया लॉन्च होती है वहाँ पर आप लोगों को टकराते हो, मिलते हो, बड़ा बात नहीं करते हो। तो मेरी कभी कोई बात नहीं हुई और जिस आदमी को मैं जानती नहीं, मुझे उसका पूरा नाम नहीं मालूम, वो कहाँ रहता है, उसकी फैमिली कौन है, क्या करता है, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता है, तो कोई सवाल ही नहीं होता। दूसरी चीज़ कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद हिम, उसका नाम है राम। हम बहुत सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। एंड राम भगवान के अलावा मैं किसी को नहीं देखती, मेरे लिए मेरा राम भगवान जैसा है। When I got stuck in that infamous controversy, he was the one who has helped me in everything. He took care of everything. He took care of advocates, bail, क्योंकि my accounts were frozen. तो मुझे financially भी उसने हर चीज़ में help की थी और मेरे लिए राम भगवान है और सच में है। तो मैं किसी को कोई प्यार नहीं करती, कोई सीन नहीं, सिर्फ राम के साथ हूँ, happily single हूँ फिलहाल। जब भी शादी होनी होगी राम के साथ हो जाएगी। बस सबको बुलाऊँगी प्रॉपर हर चीज़ के लिए। आई एम श्योर मैं पब्लिक के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट रखूँगी मेरी शादी का और मीडिया को तो मैं पर्सनली बुलाऊँगी एंड हम सब साथ में अटेंड करेंगे मेरी शादी। तो ये जो भी न्यूज़ चल रही हैं ये सारे के सारे फॉल्स हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मेरी कोई शादी नहीं हुई, कोई शादी नहीं हुई है। और हाँ, जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है कि मैंने धर्म कन्वर्ट कर दिया है, तो गाइस जब मेरी शादी नहीं हुई तो धर्म कन्वर्ट करने का तो कोई चांस ही नहीं होता। और सबसे मेन चीज़ यार, मैं पंडित हूँ, मैं वेजिटेरियन पंडित हूँ, मैं बहुत शिद्दत से पूजा करती हूँ, एक्सपोज करती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बोल्ड कपड़े पहनती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं पंडित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी चीज़ों से, मुझे बदलाव की कोई आदत नहीं है और मैं कोई बदलाव नहीं लाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, आज भी मेरी इस बात को समझेंगे। और जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ऑन माय सोशल हैंडल, सूटकेस, मुझे नहीं मालूम उसका क्या मतलब है और मैं इन सब सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर हूँ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।